नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ है और उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 से ज्यादा सालों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत और जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश की कुल GDP में 8% का हिस्सेदारी करता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य के रूप में और भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सचिवालय में तैनात अग्नि सुरक्षा अधिकारी की बहू ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि जब उसने पति से इसकी शिकायत की तो पति और सास ने उल्टा उसकी ही पिटाई कर दी। आरोप है कि इस घटना के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने लगे और युवती की तहरीर पर ही मोहनलालगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें आपको कि लखनऊ के बांग्ला बाजार निवासी रवि वाजपेयी की ही मोहनलालगंज इलाके की रहने वाली युवती से दूसरी शादी हुई है और रवि के पिता मनमोहन वाजपेयी सचिवालय में तैनात हैं। रवि की पहली शादी का खुलासा होने पर युवती ने शिकायत की तो उसे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। युवती ने मोहनलालगंज कोतवाली में अपने पति रवि वाजपेयी और ससुर मनमोहन वाजपेयी के साथ ही अपनी सास के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर ही समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस एक वीडियो वायरल कर कहा है कि रामचरितमानस का जहां तक सवाल है वो हम सबके यहाँ एक ग्रंथ है और भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस को पढ़ते और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए एक जीवन पद्धति है और उन्होंने कहा कि अगर रामचरितमानस का अनुसरण करें तो व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि रामचरितमानस जहां परिवार को साथ लेकर चलने की बात करता है वहीं भाइयों को भी साथ लेकर चलने की शिक्षा देता है। रामचरितमानस पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, माता और पिता का सम्मान किस तरह करना चाहिए, ये उसका एक उदाहरण है। रामचरितमानस का सवाल है वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस एक वीडियो वायरल कहा है कि रामचरितमानस का जहां एक सवाल है वो हम सबके यहां पर एक ग्रंथ है। भारत और भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए एक जीवन पद्धति है और
उन्होंने कहा कि अगर रामचरितमानस का अनुसरण करे तो व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि रामचरितमानस जहां परिवार को साथ लेकर चलने की बात करता है, वहीं भाइयों को भी साथ लेकर चलने की शिक्षा देता है। रामचरितमानस पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, माता और पिता का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये उसका एक उदाहरण है। प्रदेश सरकार के ही आयुष और खाद्य प्रसंस्करण स्वस्थ इसके साथ ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे और जहां प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने ही जिले में बन रहे 50 बेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया है और प्रदेश सरकार के मंत्री के स्थलीय निरीक्षण के दौरान आयुष अस्पताल के ही गेट पर एक पेड़ भी लगाया गया है। आपको बता दें कि एकीकृत आयुष चिकित्सालय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से बन रहा है और इस एकीकृत आयोग अस्पताल में ही इलाज के तीनों विधियां आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा और प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल को मार्च तक पूर्ण रूप से ही शुरू होने का भरोसा भी दिया है। आयुष मंत्रालय के बनने के बाद से ये पहली बार, अभी तक हमारे पास 4000 अस्पताल उत्तर प्रदेश में थे आयुष के। आयुष का मतलब कि आयुर्वेद अलग, होम्योपैथ अलग और यूनानी विधा के अस्पताल अभी तक अलग हुआ करते थे, आयुर्वेद यूनानी एक साथ। ये सरकार, ये मंत्रालय 2014 में पहली बार देश में बना, केंद्र सरकार जब बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार 2017 में बनी, तब से आयुष के मंत्रालय का गठन हुआ। और यहाँ एकीकृत हॉस्पिटल 50 बेड के, एकीकृत का मतलब यह है कि आयुष के सारी विधाओं को एक जगह एकत्र करके, जिसमें होम्योपैथ भी हो, आयुर्वेद भी हो और यूनानी भी हो, योग भी हो, नेचुरोपैथी भी हो, तो ऐसे करके सारी विधाओं को मिलाकर जो एकीकृत हॉस्पिटल। तो इसके पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसके पूर्व में 11 अस्पतालों का उद्घाटन अभी तक वो कर चुके थे। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा का एक दिवसीय दौरा है, आयुष चिकित्सालय का उन्होंने निरीक्षण किया है और इसके साथ ही वहां पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। झांसी के बड़ा गांव नगर के ही निवासी सुधीर कुमार ने झांसी का एक बार फिर से नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि सुधीर ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल कर पूरे झांसी का ही नहीं बल्कि पूरे बुलंदखंड का नाम रोशन कर दिया है। सुधीर अपने परिवार में सबसे बड़े हैं और ये 2 भाई एक बहन है। सुधीर के पिताजी अशोक कुमार जो कि सिंचाई विभाग में जिलेदार के पद पर तैनात थे और माता जी गृहिणी है। सुधीर की लगातार मेहनत और प्रयास के चलते आज पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी है, पूरा नगर क्षेत्र उनकी सराहना कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सुधीर ने लगातार 3 बार असफलता प्राप्त की है और ये असफलता प्राप्त करने के बाद भी अपना भरोसा और किस्मत और हिम्मत कायम रखा और 4थी बार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल कर सफलता हासिल कर ली। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामबंद हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और यूपी के काशगंज में ही अखंड आवर्त निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्हें जूते मारने वाले को 51,000 इनाम देने की घोषणा भी कर डाली है। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर दी थी और इसके बाद से तमाम हिंदू संगठन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि उनको पार्टी से निकाले जाने की भी मांग की जा रही है। स्वामी प्रसाद ने जो बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिए हैं, उससे हमारा यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अशिष्ट और असभ्य नेताओं का होना बेहद ही समाज के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ये हिंदू समाज को बार बार तोड़ने के प्रयास करती हैं। उनके रामचरितमानस के बयान पर हम यही कहना चाहेंगे
कि इन्हें तत्काल प्रभाव से FIR कराकर जेल में डाला जाए और अखंड आर्यवर निर्माण संघ की तरफ से इनमें 5 जूते मारने पर 5100 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हिंदू संगठन में रोष देखने को मिल रहा है, लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनके बयान को लेकर। बता दें आपको, रामचरितमानस को लेकर ये बयान सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध साफ तौर पर काशगंज में दिखाई दे रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। काशगंज में कलयुगी पिता हैवान बन गया। कलयुगी पिता ने अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया है और वहीं 4थे बच्चे की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी और इससे गुस्साए पति ने अपने सभी बच्चों को नहर में फेंक दिया। मामला आपको बता दें कि सहावर थाना क्षेत्र के खितोली नहर पुल का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने और चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से पुलिस ने 1 क्विंटल 2 किलो गांजा और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद किया है। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। हरदोई में खेत की रखवाली कर रहे किसान को एक आवारा सांड ने पटक दिया है, जिससे किसान की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको कि मामले की सूचना पाकर मौके पर ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लेखपाल ने ही पहुंचकर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी है। हम लोग फसल रखाने गए, 10-20 लोग कालीचरण अपने खेत में थे, उधर सांड आया, कालीचरण को दौड़ कर मारा। हम लोग दौड़ पड़े कालीचरण को उठाकर ले गए अस्पताल, रास्ते में मौत हो गई। मैं खेत रखा रहा था, 10-20 लोग खेत, वहाँ पर एक आवारा सांड खेत पर कालीचरण के आया और बिंद गया, इन्हें पटक दिया। मैं लोग तब दौड़े तो वहाँ पर कालीचरण जमीन पर पड़े थे। मैं जिला अस्पताल उनको लेकर जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत। कैसे, क्या घटना हुई? राकेश यादव, हम लोग जाते हैं गाय रखाने, और जब गाय रखा जा रहे थे तो अपने अपने खेतों पर हो जाते हैं। हम लोगों के यादवों के खेत इकट्ठा हैं, वहाँ हम लोग करीब 20 लोग थे जी, अकेले अपने खेत पर छूट गए। जब छूट गए तो उसके बाद में आधा घंटे बाद जो इन्होंने चिल्लाया है कि हाय बचाओ, तो हम लोग भाग के आए तो देखें जो पड़े हुए थे, और इनका हमारे दर्द तो इनको उठवाया। हमने कहा चलो घर पे, घर तक लाए, घर के लाने के बाद इनको सौंपा और हम लोग अपने फिर घर पे चले गए। उसके बाद सवेरे जब मालूम हुआ तो खत्म हो गया। किसने हमला किया इन पे, कैसे काम? ये साल ऐसा है कि ये लोग अपने खेत में गाय रखाने गए गेहूँ रखाने के लिए, और वहाँ पर हम मौजूद नहीं थे, राकेश थे, जुम्मा थे, सियाराम थे। जब जे चिल्लाए कालीचरण तो ये लोग भाग के आए, भाग के आने के बाद में इनको देखा, पड़े हुए देखा तो इनको हाथ पकड़ के उठा के लाए यहाँ। जे हमसे चिल्लाए कि हमारा सीने में बहुत तेज दर्द है तो हम इनको ले गए, रास्ते में डॉक्टर के यहाँ पहुँच ना पाए, रास्ते में ख़त्म हो गए। इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त रूप से ही वाहन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से चुराई हुई 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार वाहन चोर मैनपुरी और इटावा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर
चोरों का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चोरी की 10 बाइकें बरामद की गई हैं। बता दें आपको, चोर गिरोह लगातार सक्रिय था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को अब गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा की पुलिस हमेशा तत्पर रही है और इसी क्रम में जो है आज मेरे निर्देशों के क्रम में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी, लूट की घटनाएं भी कुछ संज्ञान में आई थी, जिसके मद्देनज़र मैंने सोमवार का दिन होता है, बैंक वगैरह भी काफ़ी इसमें प्रभावित रहते हैं, फाइनेंशियल कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे मेरे द्वारा निर्देशित हुआ था SP सिटी, CO सिटी और हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम तथा SHO सभी जो जनपद के हैं। इसी क्रम में RTA चौराहे पर सुबह करीब 12 बजे के आसपास चेकिंग चल रही थी, उसमें 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके पास कोई कागज़ नहीं था मोटरसाइकिलों का, पूछताछ कड़ाई से की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी काफ़ी की है, जिसमें से 3 मैनपुरी के लड़के हैं और एक अपने जनपद इटावा सैफई के रहने वाला है, और इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो पूछताछ की गई तो उन्होंने इनकी निशादेही पर टोटल 10 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता है, और जिसमें से 3 गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं, एक गाड़ी दिल्ली की है, एक गाड़ी हरियाणा गुड़गांव की है, एक मैनपुरी की निकली है। अभी और इसमें विवेचना का विषय वस्तु है, इसको हम और इसको वेरीफाई कर रहे हैं, जल्दी ये सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो जाएंगी और इसमें हम निश्चित तौर से पूरी टीम को 20,000 रुपये उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने ही संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग के ही दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से चुराई हुई 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और गिरफ्तार वाहन चोर मैनपुरी और इटावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां पर लगातार सक्रिय इन चोरों के गिरोह को पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही उनके पास से 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे की पूछताछ भी की जा रही है और लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।